तुम्हें को एक बात बताइए, ये तू बार बार जो बोल रहा है मेरे को मेरा पागल पहना है शो के लिए, मेरा पागल पहना, उसका अपनी मॉम के ऊपर हाथ उठाने से क्या रिलेशनशिप है? तू क्या बकवास, एक्स का ऑडिशंस था, आने नहीं दिया था। Why are we talking to him? अब तुझे मैं यहाँ पे आने नहीं दूंगा, मुझे लगाना बार हाथ तुझे, मैं देखता हूँ। चल आ, आ लगा मुझे हाथ, लगा बार आके। मैं तुझे यहाँ ऑडिशन नहीं देने देता हूँ, लगा मुझे हाथ, मैं देखता हूँ तेरे में कितना दम है। आजा, लगा लगा पागलपन तेरा, देखता हूँ मैं कितना, आजा। आजा फिर लगाएगा हाथ, ये बड़ा आसान है माँ को या किसी को हाथ उठाना जो सामने से हाथ उठा सकता है। हम में से किसी को भी बाहर मिलता ना कर देता। माँ ने नहीं आने दिया तो माँ को मारेगा। चल तेरे को मैं नहीं लेने देता हूँ ट्रायल यहाँ पे, लगाना मुझे हाथ, कहीं भी कहाँ रहता है वहां आ जाऊंगा। 10 लौंडे और खड़े कर लेना कानपुर अभी, में साथ अभी देख लूंगा। पागलपन बोल, मारेगा मारेगा। इसकी एक वजह है कि आपको पता है कि अगर आपने मारा बैठ क्यों जाता है यार बार बार, क्या दुर्दशा होगी, समझ रहा है ना? दुर्दशा का आपको अंदाजा भी नहीं है, उतनी बुरी हो जाएगी अगर हम में से किसी को आपने ऑडिशन पे ना आने के लिए मारा होता। मॉम को मारा क्योंकि आपको पता है आपको कुछ होगा नहीं उसके बाद। अपने से कमजोर लोगों को मारना, ऐसे लोगों को मारना जो आपसे प्यार करते हैं, जो सिर्फ आपका भला चाहते हैं, इट्स बियॉन्ड डिस्गस्टिंग। आपको सफाई देनी थी। यस सर। किस चीज की सफाई देनी है आपको? सर मुझे पहले बताइए, आपने एक लड़की को मारा है थप्पड़ क्या? हाँ मैं रीजन बताता हूँ सर उसका। उसका रीजन मैंने आपने सुना नहीं, उस लड़की ने बहुत गंदे तरीके से हीट ऑफ द मोमेंट में उसने मुझे इम्पोर्टेंट बोला। यू आर इम्पोर्टेंट, मैं बोल रहा हूँ, यूर इम्पोर्टेंट, यूर इम्पोर्टेंट। सर वो सिचुएशन मैं आपको बोल रहा हूँ, सिचुएशन वैसी आ गई थी सर। मैं यू आर इम्पोर्टेंट, मैं तो नेशनल टीवी बोल रहा हूँ। गंजे मैं नहीं हूँ। तू इम्पोर्टेंट है, आरेगा? नहीं सर। क्यों मारा तुमने उसको? क्योंकि तेरे को पता था वो तेरे को वापस दे नहीं सकती। सॉरी सर। बिकॉज शी इज वीकर देन यू, राइट? दैट्स व्हाई यू हिट हर ना? एक्सेप्टेड सर। सो देयर इज नो एक्सप्लेनेशन। समझ आई? यस सर। And through you, everybody has to understand this, especially in this country. Through you, people have to understand. Zid hai. Apni mom ko marega. Because she didn't hit you back. She couldn't. Unke maarne se tujhe farak nahi padta. Ye is problem ki jad hai. Aapke regret se farak nahi padta. Hame logon ko samjhana hai ki agar आप किसी औरत को मारते हो सिर्फ इसीलिए मार रहे हो क्योंकि वो आपसे कमजोर है, या आप अपने से छोटे बच्चों को मार रहे हो बिकॉज़ वो आपसे कमजोर है। यू अंडरस्टैंड? यू नॉट हिटिंग अस बिकॉज़ यू कांट। मैं देख, मैं तो नहीं इंटरव्यू ले रहा हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप जरूर लीजिए, उसमें मैं नहीं आपको। आप दोनों ने एक भला काम किया आज कि आप यहाँ पे ऑडिशन पे आ गए, और शायद शायद आपको देखने के बाद कुछ लोगों को समझ आ जाएगा कि गलत चीज क्या है, क्योंकि इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। यू शुड हैव वॉक्ड आउट। You can't hit your mom, yeah. Or any woman, yeah. Go on. You can't. थोड़ी सी भी अगर इज्जत है बाकी, please leave. नहीं यार, ये बड़े बेकार से। भाजी, this is new for you. Sorry कि हमने ऐसे किया। नहीं नहीं नहीं, ये मतलब एक ऐसा इंसिडेंट है यार, ये मैं जो मेरे बियॉन्ड इमेजिनेशन है कि मैं ऐसा भी कोई हो सकता है। और अगर आज ये नहीं करते बाजी तो वो उनको भी ये रियलाइज नहीं होना था, उनको लगना था कि हाँ हमने किया तो चलो ठीक है। रोडीज में नहीं आने दिया तो माँ को मारेगा। नाउ यू अंडरस्टैंड कि उनको थप्पड़ क्यों पड़ रहे थे।